आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद पर सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। गुरुवार को पहली बार इसने एक ही दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौरान 1184 मरीजों की मौत हुई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसी बीच देश में सैकड़े मरीजों की संख्या 15 लाख पहुंच गई। इस महीने सैकड़े मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 31 मार्च को यह 6 लाख थी। ज्यादा सैकड़े मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और मौत की संख्या में भी तेजी आएगी। गुरुवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आए और देश में कुल 2,16,902 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल 349 मौतें हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112 और उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 81, कर्नाटक में 66 और मध्य प्रदेश में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। अब बात करते हैं सहारनपुर की। आज फिर सहारनपुर में लगातार छठे दिन कोरोना ने वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आज जनपद में 272 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जो कि इस माह का सर्वाधिक आंकड़ा है। जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर जनपद में कुल संक्रमितों का 11,813 पहुंच गया, जो कि काफी चिंताजनक है। हालांकि आज मिले हुए आंकड़े 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक के शामिल है। वहीं आज 61 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब जनपद में एक्टिव केस की संख्या 1,219 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सिटी मैप सभी जनपद वासियों से अपील करता है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।